आज हम लोग जिस कंपाउंड की नेमिंग करेंगे वो है NiOH का होल पेयर्स। इसका नेमिंग करते समय किन किन चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता वो देखिए। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ये कंपाउंड किस एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। देखिए सबसे पहला है Ni का मीन्स क्या होता है, निकिल से कहते हैं, निकिल एलिमेंट के नाम जानते हैं। देन ऑक्सीजन, देन हाइड्रोजन, ये तीन एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है ये फॉर्मूला, निकिल ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ये तो पता चल गया किससे मिलकर बना हुआ। देन फिर आता है आयन, आयन को रेड कलर के नाम से भी जानते हैं, इसे हिंदी में कहते हैं मूलक। देन ये टू टाइप का होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव में कौन है, Ni। अब यहाँ पर क्या होता है, ये टू पार्ट में डिवाइड होता है, जो OH होता है उसे बोलते हैं हाइड्रोक्साइड एंड Ni को निकिल ही बोलते हैं। इस पोर्शन को लिखते हैं OH को, ये होता है माइनस का, इसकी वैल्यू होती है प्लस की टू होती है, एंड हाइड्रोक्साइड की जो वैल्यू होती है माइनस की वन होती है। क्लियर। अब यहाँ पर जो सबसे जो इम्पॉर्टेंट रोल है, जब भी आप फॉर्मूला बनाएंगे या इसके नेमिंग करेंगे, जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आयन करता है। ये आपको पता होना चाहिए कौन प्लस होता है कौन माइनस, ये सब प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। जितना आप अच्छा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको अच्छा आयन तैयार होगा। देन क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आया Ni, वन है तो कुछ नहीं होगा। फिर क्या है OH में कितने एलिमेंट है, टू हैं, O है एंड H है, तभी क्या हुआ पूरे का होल हुआ, होल टू। तो ये बन गया फॉर्मूला NiOH का होल्डर। यहाँ पर प्लस माइनस का यूज नहीं किया जाता है, केमिकल रिएक्शन करते समय प्लस माइनस का यूज करते हैं, केमिकल फॉर्मूला बनाते समय नहीं करते। जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं बार बार कह रहा हूँ, आयन जरूर तैयार कीजिए। इस कॉन्सेप्ट से आप ये तो आप करेंगे ही, एंड कई प्रकार के जो फॉर्मूले होते हैं उनके भी आप केमिकल नेमिंग कर सकते हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट बहुत आसान था। इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में। मैं मिलता है एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।